डबल डेकर ऑटो। बेला नगर में चंपक नाम का ऑटो वाला रहता था। वह कई सालों से ऑटो चला रहा था और सभी को अपने ऑटो में सवारी कराना पसंद करता था। वो एक ईमानदार और नेक ऑटो ड्राइवर था। उसका भाई मन्नू भी ऑटो चलाता था, पर मन्नू अपने भाई से बिल्कुल अलग था। वो बहुत चालाक और लालची था, अपने भाई की जासूसी करता। एक दिन जासूसी करते हुए उसने सुना, शोभा देखो आज कितनी अच्छी कमाई हुई है, भगवान करे रोज ही ऐसे यात्री आते रहे कमाई के लिए। बिल्कुल, मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है। मन्नू उनकी बातें सुन लेता है। यह बात सुनकर मन्नू अपने भाई से जलने लगा। पता नहीं भैया इतनी कमाई कैसे कर लेते हैं, मैं तो एक दिन में इसका आधा भी नहीं कमा पाता। कोई तो तरकीब लगानी होगी जिससे मैं भैया से भी अधिक पैसे कमा पाऊं। अगले दिन मन्नू जब ऑटो चला रहा था तब अपने गांव में डबल डेकर बस चलती हुई देखी। उसके मन में एक तरकीब आई, क्यों ना मैं भी एक सेकेंड हैंड ऑटो खरीद लूं और एक डबल डेकर ऑटो बनाऊं जिससे मेरी कमाई डबल हो जाएगी। मनु ने एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदा और अपने दोनों ऑटो एक मैकेनिक के पास ले गया। अरे बिरजू भाई, क्या तुम एक डबल डेकर ऑटो बना सकते हो? अरे मनु तुम पागल हो गए हो क्या? इन दोनों को जोड़कर डबल डेकर ऑटो बनाओगे? यह करना बेवकूफी होगी, ये जल्दी ही टूट जाएगा, खुद भी मरोगे और औरों को भी मारोगे। बिरजू तुम्हें क्या, मैं तुम्हें इस बात के पैसे दूंगा, तुम बनाओ डबल डेकर ऑटो। मन्नू मैकेनिक से झगड़ा कर पैसे देकर उससे अपना काम निकलवा लेता है। कई बार मना करने के बाद भी वो मैकेनिक की कोई बात नहीं सुनता। एक दिन जब ऑटो रेडी हो जाता है, मनु उसे लेकर चलाने लगता है। डबल डेकर ऑटो देखकर सभी उसकी गाड़ी में बैठने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उसका ऑटो बहुत मशहूर हो जाता है। अरे वाह इतने यात्री, तो मैं मालूम माल हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन डबल डेकर ऑटो चलाते चलाते ऑटो अचानक टूट जाता है। सभी सवारियां इधर उधर गिर जाती हैं। गांव वाले अब मनु के ऑटो पर सवारी करने से मना कर देते हैं। सभी को बहुत चोट आई थी, ये बात कोई भूल नहीं पाता। और मनु दो ऑटो की जगह अब एक ऑटो से भी हाथ धो बैठता है, क्योंकि दोनों ऑटो अब एक्सीडेंट के कारण टूट कर चूर हो चुके थे। और अब मनु को समझ में आ चुका था कि जलन का नतीजा बहुत बुरा होता है। मोरपुर गांव में एक सूखा हुआ कुआं था। उस गांव के बड़े बुजुर्ग के अनुसार वह कुआं एक जादुई कुआं था। बड़े बुजुर्गों की बातों से सभी गांव वाले यही मानते थे कि वह कुआं भूतिया है और कभी उसको इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही उसमें कभी पानी डालना है। एक दिन दो चोर मुकेश और भोला चोरी करके पुलिस से बचते बचाते गांव में आ जाते हैं। अरे भोला अब कहाँ जाएं? पुलिस से बचना तो बहुत मुश्किल है। अरे वह देख सामने कुआं, चल इसमें कूद जाते हैं, पुलिस चली जाएगी तो बाहर निकल आएंगे। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, चलो जल्दी कूद जाते हैं। दोनों दोस्त उस कुएं में कूद जाते हैं। मुकेश और भोला पूरे दिन कुएं में छिपे रहते हैं और शाम के समय बाहर निकलते हैं और सोचते हैं, भोला लगता है पुलिस जा चुकी है, चल टॉर्च तो जला, देखें तो सही हम कहाँ हैं। मुकेश टॉर्च जलाता है, तभी एक औरत मनीषा कुएं के सामने से गुजरती है। कुएं में रोशनी देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है, आह कुएं में भूत भूत। भोला और मुकेश यह सुनकर हंसते हैं और मनीषा को बुलाते हैं। मुझे मत मारना, मैं एक आम लड़की हूँ, तुम जितने पैसे चाहते हो ले लो। ठीक है मैं अपना हाथ ऊपर करूंगा, तुम अपने सारे पैसे सोना चांदी और गहने इसमें डाल दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मनीषा चोरों को पैसे और जेवर दे देती है और वहाँ से चली जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन अब दोनों चोर रोज गांव वालों को इसी तरह बेवकूफ बनाते। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीरज सेठ की बेटी नीलिमा शहर से पढ़ाई कर वापस लौटती है और वो उस दिन कुएं के भूत के बारे में सुन लेती है। आप सब कितने भोले हैं, भूत जैसा कुछ नहीं होता और कुएं में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आप सबकी गलत फहमी है। नीलिमा कुएं के पास जाती है और चुपके से कुएं में झांक कर चोरों को देख लेती है। वे बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चली जाती है।
नीलिमा गांव वालों से बात करती है। हमें इस कुएं में पानी डालना चाहिए, इससे भूत की प्यास बुझ जाएगी और वो पैसे नहीं मांगेगा। गांव वाले नीलिमा की बात मान जाते हैं और कुएं में पानी डालने लगते हैं। लेकिन पानी डालते ही दोनों चोर कुएं से बाहर निकल आते हैं और नीलिमा पुलिस को बुलाकर उन दोनों को गिरफ्तार करवा देती है। सभी गांव वाले नीलिमा की बहुत प्रशंसा करते हैं। नीलिमा की सूझबूझ से गांव वालों को चोरों से निजात मिल जाती है। सूरज एक फूड ट्रैवलर था। उसे जगह जगह शहर शहर जाकर वहां के मशहूर खानों के बारे में शोध करना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना अच्छा लगता था। एक दिन जब वह भारत की मिठाइयों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था, तभी उसे जबलपुर की प्रसिद्ध जलेबी के बारे में मालूम पड़ा और सूरज निकल पड़ा जबलपुर की जलेबी वाला की खोज में। जबलपुर पहुंचकर उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ जबलपुर की प्रसिद्ध जलेबी की दुकान कहाँ है? अरे साहब, अब आप जबलपुर आ ही गए हैं तो समझो जलेबी वाले के पास भी पहुँच गए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। वह आदमी सूरज को जलेबी वाला के पास लेकर चलता है। रास्ते में सूरज उससे पूछता है, भाई साहब, यह जलेबी वाला कब से यहाँ जबलपुर में जलेबी बेच रहा है? अरे साहब, यह तो हमारे दादा ही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने दादा से भी यही सुनते आ रहे हैं कि जलेबी खानी हो तो जबलपुर जलेबी वाले से ही खाओ। थोड़ी देर चलकर सूरज जबलपुर जलेबी वाला की दुकान के आगे पहुंच जाता है। वहां से आ रही देसी घी की जलेबी की खुशबू सूरज को मोहित कर देती है। वह आगे बढ़कर जलेबी वाले को अपना परिचय देता है। जलेबी वाला उससे कहता है, आइए जनाब, आपका स्वागत है। बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप जैसे फूड ट्रैवलर हमारी दुकान पर आए। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप हमें अपनी जलेबी के बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, जलेबी बनाने की शुरुआत हमारे परदादा ने यहाँ के राजमहल में की थी। पहले वह राजा और राज परिवार के लिए जलेबियाँ बनाते थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद से हमने यह दुकान खोली है। तब से हम लोग यहाँ पुश्त दर पुश्त जलेबी बनाने का काम कर रहे हैं। लीजिए, आप भी जलेबी खा कर देखिए। सूरज जलेबी खाकर कहता है, अरे वाह, ऐसी जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई। बस साहब, आप लोगों का यही प्यार और तारीफ हमें दिन पर दिन आप लोगों का विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी जलेबी की स्वाद और मिठास में कोई कमी ना आए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कोशिश करूँगा कि अपने प्रोग्राम के जरिए आपकी जबलपुर की जलेबी को पूरी दुनिया में मशहूर करूँ। और सूरज जबलपुर की जलेबी वाला की जलेबी खाकर अपने अगले मुकाम के लिए निकल जाता है। शेरपुर नाम शहर में जग्गू नाम का ऑटो चलाने वाला रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बहुत नेक इंसान था, अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और जब भी अच्छी कमाई होती तब वो परिवार के लिए तोहफे खरीद कर लाता। लो कमला, तुम्हारे लिए नई साड़ी। आज बहुत अच्छी कमाई हुई है, सोचा तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ खरीद लूं। लो बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत सारी गुड़ियाँ। बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जग्गू की कई दिनों तक अच्छी कमाई हुई। एक दिन जग्गू ने लोगों को बात करते देखा। अरे भैया, तुम्हें नहीं पता, नगर में नई महामारी फैल गई है। कहीं हमारे गांव में ना फैल जाए। पता नहीं भैया, ये सब क्या हो रहा है। अचानक फैली महामारी के कारण गांव शहर ठप पड़ जाते हैं, सभी व्यापार बंद हो जाते हैं। जग्गू अपनी पत्नी से कहता है, अरे इस महामारी की वजह से तो मेरा अच्छा खासा काम बंद हो गया है और लॉकडाउन भी चालू हो गया है। मैं ऑटो भी नहीं चला सकता, अब हम क्या करेंगे। जग्गू के पास 3 ऑटो होते हैं। धीरे धीरे ऑटो के ड्राइवर भी अपने घर चले जाते हैं। सरकार एक नया आदेश लेकर आती है जिसमें ऑटो में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। अरे, ऑटो में एक ही आदमी बैठेगा तो हमारे बाकी ऑटो का क्या होगा जी? तुम ठीक कहती हो कमला, बाकी 2 ऑटो कौन चलाएगा? हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको कुछ करना चाहिए, कोई तो उपाय होगा 3 ऑटो को एक साथ चलाने का, जरा सोच कर देखिए। तुम ठीक कहती हो। अरे, मैं ये कर सकता हूँ। मैं 2 ऑटो का इंजन निकाल देता हूँ और ऑटो को एक दूसरे से जोड़ दूंगा, बन गया एक ही ऑटो। अगले दिन से ही जग्गू लंबा ऑटो बनाने लगा।
जग्गू बहुत खुश था, लेकिन जग्गू जैसे ही वहाँ से निकला रास्ते में उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहा है इतना लंबा ऑटो, ये क्या नाटक है ये? यह नाटक नहीं है सर, ये मेरा लंबा ऑटो है जिसमें यात्री दूर दूर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। पुलिस वाले जग्गू का ऑटो चेक करते हैं और पाते हैं कि उसके ऑटो में सरकार के सभी नियमों का पालन किया गया है। धीरे धीरे जग्गू का ऑटो बहुत मशहूर हो गया। पुलिस वालों को भी उसके ऑटो से कोई परेशानी नहीं थी और इस तरह से बुरे समय में भी जग्गू ने सूझबूझ से अपने घर और अपने काम की रक्षा करी। प्लीज सब्सक्राइब।